तो आइए बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक मजेदार टीएलएम जिसके माध्यम से हम सीखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जॉन हैं, कुल कितने मंडल हैं और कुल कितने जनपद हैं। और ये भी सीखेंगे कि हम उत्तर प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, भाषा क्या है, साक्षरता क्या है, उच्च न्यायालय कहाँ है, पुष्प क्या है, वृक्ष क्या है, पशु क्या है, पक्षी क्या है, उसका राजकीय चिन्ह क्या है। इस तरह की सभी जानकारियों के लिए आइए शुरू करते हैं हम यह वीडियो। देखेंगे हम कुल जॉन कितने हैं। हमारे कुल जॉन हैं तीन, पूर्वी जॉन, मध्य जॉन, पश्चिमी जॉन। उसके बाद कुल मंडल 18 मंडल हैं और कुल जनपद 75। तो इन्हें देखते हैं किस जॉन में कौन कौन से मंडल हैं और किस मंडल में कौन कौन से जनपद हैं। तो सबसे पहले हम पूर्वी जॉन से देखते हैं। तो पूर्वी जॉन में सबसे पहले है यहाँ आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल में तीन जनपद हैं, आजमगढ़, बलिया, मऊ। उसके बाद बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में तीन जनपद हैं, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। उसके बाद गोंडा। गोंडा में चार जनपद हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। फैजाबाद मंडल, इसमें पांच जनपद हैं, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर। इससे आगे चलते हैं गोरखपुर मंडल में, चार जनपद हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। उससे आगे चलेंगे मिर्जापुर मंडल में, तीन जनपद हैं, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र। वाराणसी मंडल में वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली। उसके बाद शुरू होता है हमारा मध्य जोन। मध्य जोन का जो पहला मंडल है वो है झांसी, और झांसी में तीन जनपद हैं, झांसी, जालौन, ललितपुर। उसके बाद है चित्रकूट मंडल, इसमें चार जनपद हैं, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा। इलाहाबाद मंडल, इसमें चार जनपद हैं, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी। कानपुर मंडल में छह जनपद हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज। ठीक इसी तरह से लखनऊ मंडल में देखेंगे, इसमें क्या है, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव। उसके बाद हमारा चलेगा पश्चिमी जोन। पश्चिमी जोन का सबसे पहला मंडल है सहारनपुर मंडल। जैसा कि आप देख रहे हैं सहारनपुर में तीन है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। उसके बाद है मेरठ मंडल, इसमें छह जनपद हैं, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़। उसके बाद है आगरा मंडल, इसमें चार जनपद हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। उसके बाद है बरेली मंडल, इसमें चार जनपद हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। अलीगढ़ मंडल, इसमें चार जनपद हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। उसके बाद है सबसे आखिरा मुरादाबाद मंडल, इसमें पांच जनपद होंगे, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल। ठीक है, समझ में आया होगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसा कि हमने बताया यहाँ कुल जोन हमारे तीन हैं, तो इनके नाम याद आप कर लेंगे, पूर्वी जोन, मध्य जोन और पश्चिमी जोन। उसके बाद कुल मंडल हैं तो ये 18 हैं, इसको भी हम याद कर सकते हैं, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद। उसके बाद ये 75 जनपद हैं, तो ये क्रम से जो भी हमने बताए हैं किस मंडल में कितने जनपद हैं, तो इस तरह से ये 75 जनपद हो गए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। आप सभी जानते हैं लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय कौन है। जिस समय हमने ये चार्ट बनाया था उस समय अखिलेश यादव थे और अब योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल जिस समय ये चार्ट बनाया था उस समय श्री राम नाईक थे और इस समय आनंदीबेन पटेल हैं। भाषा क्या है उत्तर प्रदेश की, हिंदी है और दूसरी भाषा के रूप में उर्दू है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं उच्च न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद में है। और कुछ जानकारियाँ ये आप देख रहे हैं, राज के चिन्ह क्या होगा, राज के चिन्ह आपका मछली है एवं तीर कमान, तो यानी चिन्ह है हमारा मछली एवं तीर कमान। पुष्प पलाश, वृक्ष अशोक, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस। तो बच्चों इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश एक नज़र में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।